करनाल के करंट पार्क बस स्टैंड के समीप नगरपालिका कर्मचारी संघ एवं सर्व कर्मचारी संघ के तत्वावधान में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियों ने पहुंचकर एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाया और होली की खुशियां साझा की। इस मौके पर आंगनवाड़ी वर्कर एवं आशा वर्कर यूनियन की प्रधान रोशनी देवी ने बताया कि नगरपालिका कर्मचारी संघ द्वारा होली के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों के अलावा आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया था, जिसके चलते यहां एक दूसरे के साथ होली मिलन पर कार्यक्रम में शामिल होकर होली का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर उन्होंने सभी जिलावासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए आपसी प्यार और सौहार्द से रहने का संदेश दिया। इस मौके पर एडवोकेट सोनिया तंवर ने कहा कि नगरपालिका संघ का ये एक सराहनीय प्रयास है और ऐसे मौकों पर एक दूसरे के साथ मिल बैठकर त्योहार मनाते हैं, जो बेहद ही प्रशंसनीय है। सर, आज नगरपालिका कर्मचारी संघ की तरफ से होली सेलिब्रेशन का प्रोग्राम दिया गया और आज का जो प्रोग्राम है वो श्रद्धा बहन जी के नेतृत्व में किया गया और महिला शारदा बहन जी के नेतृत्व में किया गया। और बहुत खुशी की बात ये है कि महिलाओं ने आज स्पेशल अपने लिए समय निकाला और उसी समय में हम लोग भी अपनी भूमिका दर्ज कराने के लिए आए और महिलाओं ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। पूरे साल भर में बहुत कम समय ऐसा आता है जब महिलाएँ अपने लिए कुछ करती हैं, तो आज महिलाओं ने अपने लिए समय निकाला, बहुत खुशी की बात है। और मैं पूरे देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जी, क्या कहेंगे, आज होली स्पेशल है? आज महिलाओं ने अपने लिए जो ये स्पेशल दिन आज हमने डिसाइड किया है कि सेलिब्रेशन मनाने का होली दिवस, तो आज हमारे जो नगरपालिका कर्मचारी संघ में ये पहला ऐसा दिन आया है जो हमने हमारी जो महिलाएं एक मेहनती जो सारा दिन सड़कों पे झाड़ू लगा के और मेहनत का काम करती हैं और कई लोगों की ऐसी नज़र है जो कि इनको घृणा से देखा जाता है, आज मैं लोगों को और सर्व कर्मचारी संघ को और नगरपालिका कर्मचारी संघ की तरफ से अपनी जो ये टीम है मेरी नगरपालिका कर्मचारी संघ की, आज इन्होंने जो अपने लिए टाइम निकाला और होली उत्सव जो आज लेडीज ने इकट्ठे होके किया, इसके लिए सभी महिलाओं को और सभी वर्गों के अपने सहयोग जो हमारे को मिला है, खासकर सोनिया बहन जी का और इनकी टीम जो आई है और हमारे आशा वर्कर सुदेश बहन जी हमारे साथ हैं और सर्व कर्मचारी संघ के भी कुछ नेता थे, तो दो मिनट पहले ही आप यहाँ मतलब उस समय शामिल थे, तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने दो दो मिनट का टाइम हमारे लिए निकाला। मेरा नाम शारदा, नगर पालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा प्रदेश सचिव, कर्मचारी संघ हरियाणा, जिंदाबाद। आज हमारे नगर पालिका की तरफ से कर्मचारी संघ की तरफ से महिलाओं ने खास होली समारोह रखा हुआ है और इसमें हमें भी आमंत्रित किया है, हमें बहुत खुशी हुई आज यहाँ पे आके और इनके साथ मना के और सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं और मन में प्यार से ही सब ने होली मनानी चाहिए, गोबर से कीचड़ से नहीं रंग से मनानी चाहिए। आज हमने बहुत अच्छा महसूस किया, यहाँ आके नाचे गाए खेल किया, बचपन की याद ताजा हुई, बहुत ही अच्छा लगा। सारा दिन घर का काम करके कहीं ना कहीं फर्स्ट दिन साल में एक बार मनाया, हमने भी पहली बार मनाया यहाँ पे आके, बहुत अच्छा ही लगा हमें। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक